हेलो फ्रेंड्स, SSR टेक्निकल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने ये बॉक्स पड़ा है जिसके इसमें लिखा है जियो डिजिटल लाइव। तो जैसा कि आपने इसकी थंबनेल में देखा ही होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, किसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसके लिखा हुआ है नाम JioFi योर पर्सनल हॉटस्पॉट, और इसका मॉडल नंबर है JMR541। तो दरअसल ये JioFi जियो कंपनी की तरफ से, रिलायंस की तरफ से एक हॉटस्पॉट है जो कि किसी भी मोबाइल और लैपटॉप वगैरह में इंटरनेट चलाने के लिए काम में आता है। देखिए, यहाँ पे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। क्रिएट योर ओन हॉटस्पॉट, आप अपना हॉटस्पॉट बना सकते हैं। कनेक्ट अप टू 31 डिवाइस, 31 डिवाइस से तक आप इसमें इंटरनेट दे सकते हैं। फिर 2600 mAh की इसकी बैटरी है। फिर वायरलेस शेयरिंग थ्रू SD कार्ड, मेमोरी कार्ड को आप वायरलेसली शेयर भी कर सकते हैं उसका डेटा। फिर इनेबल HD वॉइस एंड वीडियो कॉल ऑन एनी स्मार्टफोन, किसी भी स्मार्टफोन में आप HD वीडियो और वॉइस कॉल कर सकते हैं। और इसका आपको मिलता है सूट ऑफ डिजिटल सर्विस, तो एप्लीकेशंस मिलती है इसकी ऑनलाइन आपको। फिर देखिए, जैसा कि यहाँ पर आपको राउटर का जो MRP लिखा हुआ है 2419 में और लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसको मैंने रिलायंस डिजिटल स्टोर से ख़रीदा था 999 रुपये में। और बाकी भी इसकी डिटेल जो है वो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा बॉक्स में, एक राउटर मिलेगा, एक USB केबल और एक बैटरी और एक क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड और एक चार्जिंग एडाप्टर, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। देखिए, यहाँ पर इसकी सारी चीज़ें दी हुई है। और देखिए, इसमें ऊपर लिखा है विथ लव फ्रॉम जियो, तो जियो की तरफ से। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं। देखिए, मैं अनबॉक्स करके आपको फिर बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है। तो ये इसका सबसे बड़ा वाला जो बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर आता है ये वाला बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर आती है आपकी ये चार्जिंग केबल, और ये आपका चार्जिंग एडाप्टर जो इसका चार्जर है, एक क्विक स्टार्ट गाइड आती है इस टाइप से, और मेनली होता है आपका सबसे मेन डिवाइस JioFi का राउटर जो कि इस पैकेट में आता है। तो चलिए इनको भी अनबॉक्स करके बता देता हूँ मैं आपको। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने चार्जिंग एडाप्टर को अनबॉक्स कर दिया है। ये इसका चार्जिंग एडाप्टर है। देखिए, यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। देखिए, डिज़ाइन इन इंडिया, और ये आपको मिल जाता है 100 से 240 वोल्ट का इनपुट लेता है ये, और ये आउटपुट देता है 5 वोल्ट का और 1 एम्पियर का आउटपुट देता है ये। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चार्जर लग रहा है मुझे जियो की तरफ से। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका USB पोर्ट है, और ये इसकी चार्जिंग केबल है, USB केबल, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा जियो का राउटर है, तो ये इस तरह का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, डिसेंट लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम डिज़ाइन इन इंडिया, तो यहाँ से ये ओपन होता है। इसके अंदर फिर बैटरी वगैरह आप निकाल सकते हैं, सिम कार्ड डाल सकते हैं, और मेमोरी कार्ड का भी इसमें सपोर्ट होता है। और यहाँ पर इसके इंडिकेटर है, देखिए आपको बता रखा है कि पावर ऑन ऑफ को बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑन ऑफ होगा, फिर वेकअप भी उससे हो सकता है शॉर्ट प्रेस से, और WPS के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा ये WPS वाला बटन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा देखिए। तो इसको मैं एक बार आपको ऑन करके बता देता हूँ। वैसे मैंने इसको पहले से सेटअप किया हुआ है, इसके अंदर सिम कार्ड इंसर्ट किया हुआ है मैंने। देखिए, यहाँ से इस बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। देखिए, जैसे ही आपको यहाँ पर ये तीनों लाइट दिखती है, आप बटन को छोड़ सकते हैं। देखिए, तो ये अभी बूट हो रहा है। पहले इसमें बैटरी का इंडिकेटर आता है, फिर वो
रेड से ग्रीन होता है, उसके बाद आपको वाईफाई के सिग्नल भी दिखने लगता है, और ये टावर जो सिग्नल दिखने लगता है वो भी सर्च करा। देखिए ग्रीन हो चुके हैं दोनों, बैटरी और जो सिग्नल है वो ग्रीन हो चुका है, और वाईफाई सिर्फ अभी आपको दिख रहा है ब्लू कलर में। इसका मतलब है अभी हॉटस्पॉट जो है वो कनेक्टेड नहीं है। अगर ये वाईफाई भी आपको ग्रीन कलर में दिखने लगता है तो इसका मतलब है आपका हॉटस्पॉट जो है वो कनेक्टेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी है, और यहाँ पर इसका जो है वो चार्जिंग पोर्ट है जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है आपका JioFi डिवाइस। आशा करता हूँ कि ये अनबॉक्सिंग आपको अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।